देखो भैया जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताने लायक होती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताने लायक नहीं होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम आपके लिए वो बातें भी लेकर आते हैं, क्योंकि बिग बॉस सीजन 14 के जो क्रिएटिव्स हैं वो उसे एडिट कर देते हैं। वेल, तो चलिए एक और वाक्य आपको बताते हैं लाइव फीड से कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके लिए हम पेशकश हो गए आपके लिए। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। भाई, यहाँ पर रुबीना दलायक जो है उन्होंने कह दिया है राहुल वैद्य को दोगला। अब दोगला उन्होंने ऐसे कह दिया है क्योंकि जिस तरीके से राहुल वैद्य सबके सामने अच्छे अच्छे बनते हैं, सबकी तारीफ करते हैं, सबके साथ एक कनेक्शन बना के रखते हैं, चाहे वो राखी सावंत हो, चाहे वो खुद रुबीना हो, चाहे वो यहाँ पे सोनाली जी हो, एजाज हो, एली हो, जैस्मिन हो, किसी का भी नाम ले लो, सबके साथ में जो है सामने सामने वो सबके साथ अच्छे बनते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो है इस बात को कहूंगी कि राहुल को अगर कोई बात किसी की बुरी लगती है तो वो सामने से कह भी देते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं, सीन सीधा सा ये हुआ है कि आज सुबह में लड़ाई हुई थी राखी सावंत, एली गोनी और जैस्मिन भसीन के बीच। लेकिन ये लड़ाई बड़ी कैसे, ये लड़ाई कुछ इस तरह से बड़ी थी क्योंकि राहुल वैद्य ने मस्ती मस्ती में कुछ ज्यादा ही टांग खिंचाई कर दी थी किसकी, राखी सावंत की, जिसके बाद ये मुद्दा बढ़ गया। और यही बात सोनाली फोगाट जो है वो उठाती हुई नजर आई है कि अगर राहुल वैद्य उस समय पर इतना टांग खिंचाई नहीं करते तो शायद से ये बात बढ़ती नहीं। और एली गोनी ने जो राखी सावंत को कहा, ये बातें भी उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। अब इसी बीच जो है रुबीना दलायक कहती है कि कहीं ना कहीं राहुल वैद्य जो है अपना दोगला बन दिखाते हैं, गेम के लिए कुछ और है और वैसे कुछ और है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप लोग रुबीना की बातों से अग्री करते हैं या नहीं? वेल, राय नीचे कमेंट सेक्शन में रखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।